हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आज की वीडियो में आपके लिए लेके आऊँगी हम कैसे यहाँ पे वाईफाई को पेयर कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, मैं आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट कर लें इस पर लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो गाइस, आपको क्या लेना, गाइस आपको यहाँ पर जाना मोबाइल सेटिंग पे। तो गाइस, यहाँ पे मोबाइल सेटिंग पे चलते। तो गाइस, जैसे मैं आपको बता दूँ, गाइस यहाँ पे आपको मोबाइल सेटिंग पे जाना। तो गाइस, हम यहाँ पे मोबाइल सेटिंग के आइकन पे चल लेंगे। तो गाइस, जैसे मैं आपको बताया, तो गाइस यहाँ पे आपको काफ़ी सारी आइकन दी गई है, जिस प्रकार से गाइस आप देख सकते हैं। और गाइस, ये आपको वीवो का फोन दिया गया है। तो गाइस, जैसे मैं आपको बता दूँ, गाइस आपको मोबाइल सेटिंग के आइकन दिए गए हैं, जिसमें गाइस आपको कहाँ पे काफ़ी सारी फंक्शन दी गई है, मतलब आइकन दिए गए हैं, जिसमें गाइस आपको क्या लेना, गाइस यहाँ पे आपको चल जाना है मोबाइल सेटिंग के आइकन पे। तो गाइस, यहाँ पे आपको मोबाइल सेटिंग का आइकन मिल जाता है, जिसको मैंने ओपन कर लिया। अब गाइस, यहाँ पे मैंने वो मोबाइल सेटिंग का आइकन तो ओपन कर लिया। ओपन कर लेने के बाद आपको गाइस क्या लेना, जैसे कि मैं बता दूँगा, यहाँ पे आपको क्या लेना है, यहाँ पे आपको जाना है नेटवर्क इंटरनेट पे। तो गाइस, यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक कर लेने के बाद आपको गाइस यहाँ पे वाईफाई पे क्लिक कर लेनी है। क्लिक कर लेने के बाद गाइस आपको क्या लेना है, यहाँ पे आपको मैंने एक डाटा नेम लिया, वहाँ पे आपको क्या लेना है, यहाँ पे आपको पासवर्ड शो कर देना है। तो गाइस, यहाँ पे मैं पासवर्ड शो कर देता हूँ। तो गाइस, यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर यहाँ पे हम शो पासवर्ड से पासवर्ड देख सकते हैं हमारा सही है गलत है। गाइस, देखने के बाद हम क्या कर लेंगे, कनेक्ट, मतलब जो हमारा है पेयर हो जाता है। तो गाइस, आपका जो वाईफाई है वो आपका पेयर हो चुका है। और यहीं पर हमारी वीडियो समाप्त हो जाती है। और अगली वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।